थाना कटघर के कबीरनगर के स्थानीय निवासी एक युवक को उसके ही मोहल्ले के दबंग लोगों ने बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित परिवार द्वारा थाना कटघर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई, साथ ही घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक द्वारा बताया गया कि वह अपने घर पर मौजूद था कि पड़ोसी द्वारा उसके घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए गए। जब युवक और उसकी मां ने इस पत्थर फेंकने का विरोध किया तो दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटे की पिटाई कर दी। सिटी चैनल संवाददाता ने जब पीड़ित परिवार से बात की तो पीड़ित परिवार द्वारा न्याय की गुहार लगाते हुए कहा गया, घर में पत्थर मार रहे थे। कौन लोग मार रहे थे? बच्चे दिखाई दिए मुझे, मैं बच्चों को डांटने लगी तो फिर वो आ गया नवाब, उन्होंने कहा बच्चे नहीं मार रहे हैं। वो नवाब था और बच्चे थे और कोई नहीं था वहाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो गालियां बकने लगा, मैं ही बोलने लगी। फिर इधर दो उसके भाई भैया भावच खड़े थे, टोनी और लल्ला, और उधर से वो सब मिल गए और मारने लगे। अच्छा, जिनकी चोट लगी ये कौन है आपके? बेटा है। इनको, इनके साथ किसने मारपीट की? लल्ला और नवाब और टोनी। अच्छा, पुलिस आई थी इस मामले में? नहीं आई पुलिस। आपकी तरफ से रिपोर्ट लिखी गई? लिखी। अब आप क्या चाहती हो? चाहती हूँ कि ये लोग अब भी मारने को कह रहे हैं ना कि हम मारेंगे, अभी कम पीटे हैं और पीटेंगे। कब कह रहे थे ये लोग? रूम पे कह रहे थे। अब उसका भाई तो आप क्या, आप लोग क्या चाहते हो? ये इंसाफ मिले और क्या चाहते हैं बस। जैसे अब आप अपने कमरे पे जाओगे तो आपको डर है जाने का? डर है, बच्चे को बहुत डर है। और मुझे इतना मारा, बाल पकड़ पकड़ के सबने देखा, पूरे मोहल्ले ने देखा।